प्रयागराज से बड़ी खबर का रुख करेंगे। साबिक रुकन असेंबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी हिरासत में ले लिए गए हैं। रुकन असेंबली अब्बास अंसारी को हिरासत में लिया गया। प्रयागराज के ईडी दफ्तर से अब्बास अंसारी को हिरासत में लिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग की तर्ज पर यह मामला दर्ज था। इसके लिए पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया। देर रात तक काफी घंटे पूछताछ उनसे चली और उसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। अब्बास पर मुकदमा है। आपको बता दें अब्बास अंसारी बयान दर्ज कराने के लिए ईडी के दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन पूछताछ से जब ईडी की टीम मुतमईन नजर नहीं आई तो अब्बास अंसारी को हिरासत में लिया गया। बड़ी खबर है, अब्बास अंसारी इससे पहले भी कई बार इस तरह की कार्रवाई का सामना कर चुके हैं, लेकिन कोर्ट से उन्हें हाल ही में जमानत मिली थी। और अब एक बार फिर यहाँ पर ईडी का शिकंजा अब्बास अंसारी पर कसता हुआ। बता दें कि ईडी दफ्तर में पेश हुए थे सवाल जवाब के लिए।